ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या, कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। ये भाई के दिलालो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने वाले आरोपी दीपक शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज दीपक शर्मा ट्रेंड करने लगा है। वहीं इसकी जवाबी कार्रवाई में हैशटैग संजय सिंह भी ट्रेंड करने लगा है। साथ ही संजय सिंह ने ADG प्रशांत कुमार के साथ दीपक शर्मा के एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट की है। पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा है, अब कुछ समझना बाकी है क्या? ये है वो आरोपी जिसने हमला किया है, साथ में है ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और पुलिस सुरक्षा में हम लोग थे। योगी जी, अपनी काली करतूतों को काली स्याही के पीछे न छिपाइए, सामने से गोली चलवाओ। आपको बता दें कि जिस शख्स ने संजय सिंह पर स्याही फेंकी उसे राष्ट्रीय स्वाभिमान दल का संस्थापक दीपक शर्मा बताया जा रहा है। दीपक शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के बयान के बाद उनके मुंह पर काली पोती थी। इसी के साथ कश्मीर के विधायक के मुंह पर काली पोतने में भी वो शामिल रहा था। वहीं वो उस दौरान भी चर्चा में आया था जब ताजमहल में शिव चालीसा के पाठ के लिए दिल्ली से रवाना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।